आज बनाएंगे ईद स्पेशल। काफ़ी कम बजट में आसान और सिंपल तरीके से फटाफट बनकर तैयार होने वाले बहुत ही टेस्टी मीठी सेवई की एक खास रेसिपी, एकदम अलग और यूनिक स्टाइल में। तो चलिए देख लेते हैं मीठी सेवई की इस खास रेसिपी को किस तरह बनाया जाता है। सबसे पहले सेवई को फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में आधा कप तेल डालकर गर्म कर लेंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें सेवई ऐड कर देंगे। सेवई को तेल में अच्छी तरह मिला देंगे। सेवई को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। इसी तरह चलाते हुए सेवई को मीडियम आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट बाद सेवई अच्छी तरह फ्राई हो गया है, इसका कलर भी एकदम से चेंज हो गया है। इसी स्टेप में सेवई को एक प्लेट में निकाल लेंगे। सेवई बनाने के लिए फिर से उसी कढ़ाई में एक बड़ा गिलास पानी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर ऐड कर देंगे और साथ में 2 हरी इलायची ऐड कर देंगे। पानी में उबाल आने देना है। पानी में अच्छी तरह उबाल आ गया है तो अब इसमें फ्राई किए हुए सेवई को ऐड कर देंगे। सेवई को पानी में अच्छी तरह मिला देंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। सेवई को 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर ढककर पका लेंगे। सेवई जब तक पक रहे हैं तब तक आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 5 मिनट बाद सेवई अच्छी तरह पक गए हैं। पानी भी अच्छी तरह ड्राई हो गया है। अब इसमें 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा दे सकते हैं। चीनी को भी सेवई में अच्छी तरह मिला देंगे। आप चाहे तो चीनी को किमाम करके भी डाल सकते हैं। चीनी अच्छी तरह मिल गए हैं तो अब इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर देंगे। कटे हुए काजू ऐड कर देंगे। थोड़ा सा किशमिश ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सूखा नारियल ऐड कर देंगे। सारे ड्राई फ्रूट को सेवई में अच्छी तरह मिला देंगे। चीनी को सेवई के साथ 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पका लेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह सेवई में मेल्ट हो जाए। 2 मिनट बाद चीनी अच्छी तरह मिल गए सेवई में। सेवई का कलर देख सकते हैं कितना खिला खिला बना है। अब इसमें 1 छोटा कटोरी खोया ऐड कर देंगे। खोया डालने से सेवई का फ्लेवर काफ़ी अच्छा हो जाता है, इसलिए आप खोया ज़रूर डालें। अगर आपके पास खोया ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना खोया का भी बना सकते हैं आप। सेवई बनकर तैयार हो चुका है। गैस के फ्लेम को बंद करके अब इसको सर्व कर लेंगे। ये लीजिए दोस्तों, एकदम यूनिक स्टाइल में ईद स्पेशल मीठी सेवई की रेसिपी। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से फटाफट बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं सेवई कितने यमी लग रहे हैं। एक बार हमारे बताए हुए इस मेथड से बनाएं और खाकर बताएं कमेंट में कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप कहाँ से देख रहे हैं एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताएं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें।